सर्व ब्राह्मण समाज प्रदेश संगठन के आह्वान पर बुधवार के दिन सर्व ब्राह्मण समाज बागली द्वारा पैदल रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम रीडर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार द्वारा अन्य सभी समाजों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है व अन्य योजनाओं का लाभ भी मिलता है, लेकिन ब्राह्मण समाज को ना योजनाओं का लाभ मिल पाता है ना ही समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति, जबकि ब्राह्मण समाज में भी ऐसे कई परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कई बच्चे निर्धन हैं जिन्हें भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में सरकार से मांग की गई है कि ब्राह्मण समाज के ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए, साथ ही उन्हें आर्थिक मदद मिल सके एवं बच्चों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाए। इस मांग को लेकर बड़ी संख्या में सर्व ब्राह्मण समाज के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। जय परशुराम। मामला ये है कि अभी तक ब्राह्मण समाज संगठन का जो ब्राह्म समाज जो है उसके साथ शासन ने दुर्व्यवहार हमेशा बनाए रखा है, जबकि हर स्थिति में ब्राह्मण कहीं ना कहीं हर जगह आर्थिक रूप से बहुत निचले स्तर पर पहुंच गया है। उसकी बहुत सारी आपको देखने में आएगी स्थिति कि हम ब्राह्मण समाज के लोगों को सर्वश्रेष्ठ मानता है समाज, लेकिन ऐसी दयनीय स्थिति हो गई कि दिल्ली जैसी जगह पे स्वीपर का काम करने पे मजबूर है ब्राह्मण समाज। इस ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री से हमारी निवेदन है कि वो गरीब बच्चों को कम से कम उनको उचित जो छात्रवृत्ति सर्व समाज को दी जाती है वो देने का कष्ट करें, इसलिए ये ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।